हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ़ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर थ्री ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू ए हाइट 12.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एक टैंक है जिस जो वाटर से भरा हुआ है यह टैंक वाटर से भरा हुआ है और जितना वाटर भरा हुआ है उसका हाइट है 12.5 सेंटीमीटर द अपेरेंट डेप्थ ऑफ ए लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय ए माइक्रोस्कोप इज 9.5 सेंटीमीटर आपने इसकी थ्योरी में पढ़ा था कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सपोज कर लेते हैं एक निडिल रखा हुआ है ये निडिल वास्तव में इस टैंक के अंदर जस्ट लाइक बॉटम में रखा हुआ है जिसकी हाइट इसके वाटर के अपर सरफेस से 12.5 सेंटीमीटर है लेकिन जब इसको सीन किया जाता है जब हम आप इसको देखते हैं तो वास्तव में ये यहाँ न रहकर के इसका इमेज कुछ बॉटम से ऊपर उठकर दिखता है तो ये जो हाइट यहाँ पे दिख रहा है दिस हाइट दिस हाइट इज 9. 4 सेंटीमीटर ओके okay? अब देखो ये इसका क्या है ये इसका रियल डेप्थ है इसको हम कहते हैं रियल डेप्थ और ये जो 9.4 सेंटीमीटर आया ये इसका अपेरेंट डेप्थ है ये कौन सा डेप्थ है अपेरेंट डेप्थ ओके जब हम इसे माइक्रोस्कोप से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहां दिख करके ऐसा लगता है कि कुछ हाइट तक ऊपर है फिर इस क्वेश्चन में कहता है वॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर बच्चों हमने एक केस में पढ़ा था इसके ऊपर कौन सा मीडियम है एयर है और यहाँ पर कौन सा मीडियम भरा हुआ है वाटर अब हमें इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा ए म्यू डब्ल्यू से वास्तव में ये होता क्या है इसका हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये होता है इसका फॉर्मूला रियल डेप्थ रियल डेप्थ बाई बच्चों हाँ पर क्या क्या है? है है? आपको दिख रहा है, apparent depth क्या दिख रहा रहा 12.5. 9.4. जब हम इसको solve करेंगे तो ये एक, -एक हट जाएगा वन ट्वेंटी फाइव बाई नाइनटी 94 हो जाएगा ये आ गया 1.33. पॉइंट थ्री थ्री सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है ट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर ये तो निकल गया इफ वॉटर इज रिप्लेस्ड बाई लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट सिक्स थ्री अप टू द सेम हाइट इसने कहा अब इस वाटर को हम निकाल करके इस वाटर को हम रिप्लेस कर देते हैं वाटर इज रिप्लेस्ड बाई अनदर लिक्विड अनेदर लिक्विड तो उस समय जो अनेदर लिक्विड होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है ए के रिस्पेक्ट में और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.63 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल इज वन तो कहता है अब ये 1.63 किस हाइट तक भरा जा रहा ठीक, है ठीक 12.5 सेंटीमीटर की हाइट तक ही भरा जा रहा है तो कहता है बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव द फोकस ऑन द अगेन तो बच्चों यहाँ पर अगेन इसी फार्मूले का यूज करेंगे ए म्यू डब्लू एल यहाँ पर आपका आएगा रियल डेप्थ रियल डेप्थ और यहाँ पर आएगा अपेरेंट डेप्थ अपेरेंट डेप्थ तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखा है 1.63 रियल डेप्थ में आपके से कोई चेंज नहीं हुआ बाय अपेरेंट डेप्थ हम इसको एडी कर लेते हैं अपेरेंट डेप्थ को तो यहाँ से जब एडी की वैल्यू निकालेंगे तो ये एडी आएगा 1.6 इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा वन ट्वेल्व पॉइंट फाइव बाई 1.63. तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा यहाँ पर एक प्लस डेसिमल बढ़ाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये डेसिमल गायब हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी वन टू फाइव जीरो बाई वन सिक्स थ्री इसकी वैल्यू आ रही है सेवन पॉइंट सिक्स सेवन सेंटीमीटर ये आ रही है अपेरेंट डेप्थ अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू आ रही है लेकिन ये अपेरेंट डेप्थ कब आ रही है जब वो लिक्विड में भरा हुआ है और यहां पर अपेरेंट डेप्थ इनिशियली क्या दिया है 9.4 सेंटीमीटर तो क्वेश्चंस में ये कहता है कि बाय व्हाट डिस्टेंस उड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूवड फोकस ऑन दिडी लगे तो कर किस डिस्टेंस पर यह फोकस होगा पहले से पहले की तुलना में तो हमें लिखना होगा डिस्टेंस थ्रू हिच डिस्टेंस थ्रू हुच माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप हैज टू बी मूव्ड अप मूव्ड अप अभी पहले कितना था नाइन पॉइंट फोर और ये कितना है सेवन पॉइंट सिक्स सेवन इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो ये जीरो कर लो नाइन टू प्लेस पर डिस्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो बढ़ाना पड़ेगा टेन में से सेवन चला जाएगा थ्री और यहाँ बचेगा थ्री थर्टीन थर्टीन में से सिक्स चला जाएगा सेवन और यहाँ पर आ जाएगा आपका एट एट में से सेवन चला जाएगा वन पॉइंट सेवन थ्री सेंटीमीटर ओके तो माइक्रोस्कोप इसको क्या कर देगा इतने सेंटीमीटर और ऊपर क्या कर देगा फोकस कर देगा